आपका क्वेश्चन है टी क्यू आर एस इज अ पैरेलोग्राम इन विच क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ई सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू आर ई पी ई इंटरसेक्ट एस आर एट एफ इफ ए आर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एस एफ क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड एरिया पी क्यू आर एस। ठीक है, आपका फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। आप देखोगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेलोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेलोग्राम इन विच क्यू आर, क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ई, इज प्रोड्यूस टू ई सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू आर ई। दैट मीन्स क्या हुआ आपका, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, पी ई इंटरसेक्ट्स, पी टू ई इंटरसेक्ट्स एस आर एट एफ इफ एरिया एस एफ क्यू, दैट मीन्स एस एफ क्यू ये वाला ब्लू कलर का ये वाला इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द एरिया पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस दो टाइप से आते हैं। कुछ जगह पे ये लिख देते हैं पैरेलोग्राम की जगह लिख देंगे रेक्टेंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पैरेलोग्राम दिया हुआ है इसलिए हम पैरेलोग्राम के हिसाब से इसको समझाते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है पी एफ क्यू, एक बड़ा ट्रायंगल है एक पैरेलोग्राम है। तो सेम चीज हम लिखते हैं यहाँ पर इन पैरेलोग्राम पी क्यू आर एस, इन पी क्यू आर एस एंड ट्रायंगल क्या है हमारा पी एफ क्यू, पी एफ क्यू। ठीक है, ये क्या है हमारा, आप देखोगे ये दो पैरेलल्स के बीच में है और हैविंग सेम बेस, सेम बेस, सेम बेस दैट इज पी क्यू एंड बिटवीन टू पैरेलल्स। ठीक है, कौन कौन से पैरेलल हैं ये पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर क्योंकि पहले से इसने बताया कि इस पैरेलोग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ क्यू इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेलोग्राम, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम दैट इज पी क्यू आर एस हो गया सबसे पहला। दूसरा क्या है आपका कि आपको क्या करना है, बताना है, क्या बताना है। सबसे पहले इसने बताया कि अब देखोगे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके अंदर अगर एस एफ को बेस लेते हैं तो ये ट्रायंगल, ब्लू वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो सेम चीज हम लिखते हैं बेस एस एफ, पैरेलल लाइंस कौन सी है हमारी पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एस एफ ऑल्सो, है ना। इसके पैरेलल में है तो इसके भी पैरेलल में है। तो क्या होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस एफ इज
equal to area of triangle SQF. दोनों इक्वल हो गए, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात कि ये लेना है। यहां पर आप देखोगे इन ट्रायंगल दिस क्यू एफ ई, क्यू एफ ई में जो बेस है ये वाला, इस साइड का बेस है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो सेम चीज हम लिखते हैं, इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल क्यू एफ ई, इसके अंदर आपका दे रखा है क्यू आर इज इक्वल टू आर ई गिवन। अगर ये गिवन है तो क्या होगा आपका, एफ आर इज अ मीडियन। एक्स एस मीडियन, ठीक है। तो अगर ये मीडियन है तो क्या होगा, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम हो जाएंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ई एफ आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यू एफ आर, ठीक है, मीडियन हो गए। अब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल लेने हैं, दोनों ट्रायंगल्स कौन कौन से, ये वाला एंड ये वाला, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, हमने ये दो तो इक्वल कर दिए और ये दो भी इक्वल कर दिए, अब ये दो इक्वल करेंगे। तो हम लेंगे पी एस एफ, क्या लेंगे हम, टी ट्रायंगल पी एस एफ एंड ट्रायंगल आर एफ ई, इसके अंदर ये वाला और ये वाला एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट मीन्स एंगल पी एफ एस इज इक्वल टू आर एफ ई, एंगल आर एफ ई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। दूसरा क्या है आपका, क्या करोगे आप, अगर ये इसके पैरेलल में है, ये इक्वल है तो ये इसके पैरेलल में, दैट मीन्स ये भी इक्वल है, तो दैट मीन्स आपका आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू आर ई, ठीक है, दो हो गए। अब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्या हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट मीन्स एस पी एफ इज इक्वल टू एफ ई आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो क्या हो गया हमारा ए एस ए, ए एस ए कॉन्ग्रेंट रूल के हिसाब से आपका क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्रायंगल पी एस एफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल आर एफ ई, तो क्या हो गया, एरिया इक्वल हो गए, पी एस एफ इज इक्वल टू एरिया आर एफ। अब हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि हमने क्या क्या
मिला। तो सबसे पहले तो यहां पर है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट में आपका है पी एस एफ, पी एस एफ दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल, दैट मीन्स यहां पर भी एक आपका स्टार मार्क आ जाएगा, ठीक है, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गए। फिर आपका यहां पर आया, यहां पर इसने क्या निकाला, ई एफ आर, ई एफ आर इज इक्वल टू दिस, ये दो ट्रायंगल्स, तो हम इसको सिर्फ टिक कर देते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स हमारे सेम आ गए। अब यहां पर इसको क्या मिला, यहां पर इसको मिला ये वाला ट्रायंगल पी एस एफ इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल, दैट मीन्स ये अब टिक नहीं रहा, अब ये हो गया हमारा, ये भी स्टार मार्क्स, ठीक है, हो गए। अगर हो गए स्टार मार्क्स, अगर आप देखोगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दिस इज हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम बाय दिस, ठीक है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये वाला भी इक्वल है, तो ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहां पर लिखता हूं कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपका है कि एस पी एफ ट्रायंगल एस पी एफ प्लस ट्रायंगल क्यू एफ आर इज इक्वल टू, सॉरी ट्रायंगल नहीं एरिया है ये, इज इक्वल टू द एरिया पी एफ क्यू, दैट मीन्स ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये अगर हाफ है तो बाकी जो बच गया ये वाले, ये दोनों इक्वल है। एस पी एफ, एस पी एफ हमारा इसके बराबर निकला, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वाला एरिया कितना निकला हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है इसके हिसाब से। लेकिन इसके हिसाब से अब ये कितना हो गया हमारा 2, हमारा हो गया 2 ट्रायंगल पी एफ क्यू इज इक्वल टू एरिया पी क्यू आर एस, तो 2 पी एफ क्यू दैट मीन्स ये, देयरफॉर 2 एरिया ऑफ पी एफ क्यू इज इक्वल टू एरिया पी क्यू आर एस, तो 2 PFQ यानी 2 × 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो आंसर हमारा कितना आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।